नमस्कार मित्रों, ओनली खेडूत हेल्प चैनल में तमारू स्वागत छे। आज तारीख 4 ऑक्टोबर 2021 सवारना 5:30 जो समय से त्यारनो आपणे वीडियो अपलोड करीए छीए के आ सीस्टम अरबी समुद्र में एक नवी सीस्टम तैयार थई रही है, जेना कारणे आ सीस्टम आगळ वधी अने गुजरातनी अंदर 8 तारीख थी 10 तारीख सुधी में हळवो मध्यम वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। ये सीस्टम 7 तारीखे कई रीते आगळ वधशे अने गुजरात में केटलो वरसाद पड़शे ते डायरेक्ट 7 तारीख उपर जई आ सीस्टम जे तैयार थई रही छे ते आ रीते आगळ वधी अने गुजरात तरफ जशे। तो मित्रों, आ बब्बे लो प्रेशरनी सीस्टम अरबी समुद्र में अत्यारे गुजरातनी तरफ सक्रिय थई छे, जेना कारणे आ विस्तारनी अंदर वरसाद पड़ी शके छे। हवे डायरेक्ट वरसादनुं आपणे एनालिसिस करी लईए तो आ रीते सीस्टम बनशे लो प्रेशरनी अने वरसाद पड़ी शके छे गुजरातना एरियाओनी अंदर। तो लाइव आपणे जोईए वीडियो में आ रीते वरसादनुं कवर तैयार थतुं होय छे, जे 8 तारीखे सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरातनी अंदर आ एरियामां वरसाद पड़शे। बराबर, हवे आगळ जोईए 9 तारीख सुधीमां केटलो वरसाद पड़शे। सौथी वधारे वरसादी वातावरण गुजरातमां 9 तारीखे जोवा मळशे अने 10 तारीख सुधी आ वातावरण जळवाई रहेशे। सीस्टम जे छे ते आगळ वधी रही छे। मित्रों, अहीं तमे जोई शको छो के आ लो प्रेशर सीस्टमना कारणे आ एरियामां सखत वरसाद 9 तारीखे बपोर पछी पड़ी शके छे। 10 तारीखे पण वरसाद सौराष्ट्रना विस्तारोनी अंदर बपोर बाद पड़ी शके छे। समग्र गुजरातना एरियाओनी अंदर पण वरसाद पड़ी शके छे, आगाही पण करवामां आवी छे। આગળ મિત્રો વાત કરીએ તો 14 તારીખે બંગાળાની ખાડીના વિસ્તારમાં એક જવાદ નામનો સાયક્લોન સક્રિય થશે અને એ ગુજરાત તરફ આગળ વધશે, તો ગુજરાતની અંદર શિકાર વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે। તો આ 14 તારીખે જે વાવાઝોડું જવાદ તૈયાર થવાનું છે તેની પળેપળની અપડેટ મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, ટાઈમે ટાઈમના વિડીયો તમને મળતા રહેશે અને આ વાવાઝોડું કઈ રીતે આગળ વધશે તેની પણ ગતિવિધિઓ જણાવવામાં આવશે। પણ હજુ સુધી પાક્કા સમાચાર નથી મળ્યા કે વાવાઝોડું સક્રિય થવાનું છે, પણ અપડેટ મળશે એટલે તમારા સુધી જરૂર પહોંચાડીશું। તો બસ, નવા વિડીયો સાથે નવી માહિતી સાથે મળીએ ત્યાં સુધી મને રજા આપજો।